स्वयं गढ़नी है मुझे मेरे हाथों की रेखाएं हैं, स्वयं गढ़नी है मुझे मेरे हाथों की रेखाएं, सत्य विश्वास से भरी हों मेरे मन की हर दिशाएं। दिशाएं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि स्वयं की बात कर रहा हूं। दिशाएं में आज का विषय है स्वयं। सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि स्वयं क्या है, मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए आज हमने दूरदर्शन में इनवाइट किया है प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे जी को। प्रोफेसर सहस्रबुद्धे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में बतौर चेयरमैन कार्यरत थे। स्टूडियो में सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। भारत 71वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की, 75 साल क्विट इंडिया मूवमेंट की। परिवर्तन की बातें चारों तरफ हो रही है, शिक्षा के द्वारा परिवर्तन हो, इस ये आपका एक्सपर्टीज़ है। एजुकेशन फ्रॉम ब्रिक टू क्लिक की बात हो रही है, ये ब्रिक टू क्लिक क्या है? ये ब्रिक टू क्लिक एक नया टर्मिनोलॉजी उभर के आ रहा है। ब्रिक यानी ईटा यानी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के अंदर में स्कूल के या कॉलेज के प्रांगण के अंदर में छात्रों को शिक्षा दी जा रही थी, उसके बदले में अभी क्लिक के माध्यम से यानी अपने लैपटॉप हो या अपना मोबाइल फ़ोन हो या पीसी हो, उसके माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उसको हम ब्रिक टू क्लिक। मूक्स की हम जो बात करते हैं, एनी टाइम एनी वेयर एनीवन, तो ये किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है मूक्स की भारतवर्ष में? मूक्स शुरू होने के पहले एक खान एकेडमी नाम की एक संस्था है, उन्होंने एक कोर्स चालू किया था मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। उसके बाद MIT एडेक्स और कोर्सेरा, ऐसे अनेक मूक्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जी। इसको मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस कहते हैं, लेकिन भारत का खुद का एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए, स्वयं यानी स्वतः का, खुद का, इसलिए स्वयं नाम दिया गया है। स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग बाय यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऐसे नाम से ये स्वयं का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसमें एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग फ्रॉम एनी डिवाइस फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द बेस्ट इन प्रेस फॉर एनीवन, जो भी कोई चाहता है उसको मिलेगा जी। इसकी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन की भी कोई व्यवस्था है, मोबाइल एप्लीकेशन की? यस यस, उसकी मोबाइल की भी व्यवस्था है, वो एंड्रॉयड हो या अपना iOS हो या विंडोज़ हो, इसके माध्यम से मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है और हम उस स्वयं को एक्सेस कर सकते हैं। ये swayam.gov.in ऐसा वेबसाइट है जी, जो AICTE ने MHRD के मदद से और माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट से ये तैयार किया गया है जी। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? ये मोबाइल प्लेटफॉर्म, किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म में, एंड्रॉयड हो चाहे एंड्रॉयड हो या अपना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज हो या आपके जो 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 नए नए भी आएंगे उसके लिए भी हम तैयार कर देंगे जी। तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है इसमें? ये पूरा निःशुल्क है। हम तो इसको कहते हैं शिक्षित भारत उन्नत भारत, तो उन्नत भारत बनाने के लिए शिक्षित भारत होना चाहिए। और आज हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 24.5% है और प्राइमरी एजुकेशन तो और 90% है, लेकिन 100% नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा देश पूरा शिक्षित होना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। दोस्तों एक सुंदर कल्पना है, परिकल्पना है, पूरा देश शिक्षित हो, हर लेवल पर एजुकेशन हो, चाहे शहर के लोग हों या बाहर गाँवों में बसे लोग हों। अब बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल नहीं है, अब मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास में है, तो आप क्यों ना इसका लाभ लें। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है। जो लोग रिमोट में हैं जहाँ अभी इंटरनेट की सुविधाएं उतनी विकसित नहीं है, या तो स्पीड की समस्या है या उपलब्ध ही नहीं है, उसके लिए मैं कुछ सुनने में आया था डिजिटल सेटेलाइट चैनल के माध्यम से भी कुछ शुरुआत की गई, उसके बारे में बताएं। स्वयं जैसे ही स्वयं प्रभा इस नाम से 32 DTH चैनल्स उसमें निर्माण किए गए हैं। जो जो कोर्सेस स्वयं में है वो सारे कोर्सेस स्वयं प्रभा में भी होंगे, और स्वयं प्रभा के लिए जो कोर्सेस बनेंगे वो स्वयं में भी रहेंगे। तो इस माध्यम से जिस गांव में इंटरनेट पहुंचा नहीं है, वहां यदि TV है और एक डिश लगा दिया जाए, तो उसके माध्यम से 32 चैनल उनको मिलेंगे, जिससे कोई भी शिक्षा चाहिए वो उसके माध्यम से मिल सकती है। तो यानी कि शुरुआत में एक बार आपको सेट टॉप बॉक्स और डिश की जो कुछ कीमत है लगभग 2000 रुपये, वो आपको पे करनी होगी, और उसके पश्चात में आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा? बिल्कुल शुल्क नहीं है, ये पूरा फ्री है। यदि कोई DTH ऑपरेटर वो भी दे सकते हैं फ्री में, तो उसको भी मान्यता है, लेकिन यदि वो नहीं दे सकते हैं तो 1500 रुपये में वो सेटअप बॉक्स ले लिया
और एंटीना लगा दिया घर के ऊपर, तो 32 चैनल आपको फ्री में मिलते रहेंगे और पूरी की पूरी विद्या जो है आपको प्राप्त हो सकेगी। जी, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको स्कूल जाने की कोई फीस नहीं देनी है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, घर बैठे आपके पास शिक्षा आ गई। इसकी शुरुआत मैं किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और MHRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस तरह से शुरुआत की, इसके बारे में कुछ बताएं। तो 3 साल पहले एक कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि वर्ल्ड ओवर MOOCs तैयार हो रहे हैं, लेकिन खुद का MOOCs होना चाहिए, क्योंकि हम यदि दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहेंगे तो स्वयं कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वयं की कल्पना हो गई और उसके माध्यम से हमको एक बताया गया कि इसको डेवलप किया जाए, तो इसको ऑलरेडी पोर्टल डेवलप किया है और 500 से ऊपर कोर्सेस ऑलरेडी इस माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात है। आइए, मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, उसे देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, where it is quite an arduous task to bring the light of education to every person to the remotest corner of the country. Now, Government of India has taken a new initiative in this field, Swayam Prabha. This is a novel idea providing quality education with the help of satellite technology and science. मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें। स्वयं प्रभा इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री विद इट्स 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स। It will transmit various programs on every branch of educational sector. Each of the 32 channels will telecast fresh 4-hour educational content every day, which will be repeated multiple times so that the viewer can pursue it according to their own convenience. The future plan is to increase this content to 6 hours. The content of this program will be based on the graduate and postgraduate curriculum, and they will be planned in a manner so that every student would be benefited by them. These programs will be made in a classroom format, and lectures will be done by the best faculty of the premier educational institutions of the country so that they are more effective. Programs telecasted in these channels will be based on engineering, science, humanity, commerce, and other streams of education. Apart from it, there are 4 IIT PAL channels to telecast programs in mathematics, physics, chemistry and biology to prepare students from 11th and 12th standards for competitive exams like IIT JEE. This marvelous wonder of technological advancement can be viewed at www.swayamprabha.gov.in, where students can get the information about the programs to be telecasted on the channel or view the programs directly. They can lodge their complaints on the site and give their suggestions also. The subscribers of DTH service of DD Direct and Dish TV can view Swayam Prabha channels without any extra expense in the same setup. Swayam ke dwara desh ke nami ginami bahut acche pradhyapak ek ek course conduct karenge, wo lecture bhi denge, वहाँ मटेरियल भी मिलेगा, ट्यूटोरियल भी होगा और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, परीक्षा भी होगी, जो छात्र है उनको क्रेडिट भी मिलेगा, जो छात्र नहीं है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस स्वयं के कोर्सेज को कभी भी कहीं से भी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वयं प्रभा। तो ये 32 चैनल आपको पूरी तरह से फ्री, कहीं भी जहां केबल नहीं पहुंची है, जहां बाकी कुछ नहीं पहुंचा है और जहां इंटरनेट नहीं भारी ठीक तरह से मिलता है, वहां ये सबसे बेहतर इलाज है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल शिक्षा के लिए, उसी की ये पहल। स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया। सर, किसी भी चीज़ पर यकीन होने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं। शिक्षा की बात हो, जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो पूरी तफ्तीश करते हैं कि भाई डॉक्टर अच्छा है कि नहीं।
तो इस स्वयं पोर्टल पर किस तरह के इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड हैं? स्वयं में टोटल 9 इंस्टीट्यूशंस इसमें लिए गए हैं, इनको हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। जैसे NCERT है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए करता है। NIOS है, नेशनल ओपन स्कूलिंग वो करते हैं। IGNOU है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद CEC है और UGC है, और उसके अलावा नेशनल टेक्निकल टीचर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NITRS है। उसके बाद IITs है, तो NPTEL उसके माध्यम से आता है। IIMs के लिए IIM बेंगलोर है। और ये सब जो 8 संस्थाएं मैंने कही, इन संस्था के थ्रू यदि कोई कोर्स नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए AICTE भी 9वीं एक प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर के नाते यहाँ उभरी हुई है। यानी कि जो फॉर्मल कोर्सेज डिफाइंड नहीं हैं, और अगर उसके बारे में भी अगर फॉर्मल स्टडी अगर का कोर्स करिकुलम तैयार करना है, तो वो AICTE के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा और जो कोर्स कंट्रीब्यूट करने वाली बहुत सारी एजेंसीज होंगी। कोर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी व्यक्ति यदि वो चाहता है कि उसके पास कुछ अलग है, नॉलेज है, और वो देश को बांटना चाहता है, तो वो पूरा वेलकम है, यानी स्वागत आ रहा है। तो हम यही इसलिए कहते हैं कि जो AICTE एक कोऑर्डिनेटर है, जैसे कोई साइंड एनिमेशन करने वाला है, कोई पेंटिंग करने वाला है, ये फॉर्मल एजुकेशन में यदि नहीं भी है, तो वो चाहते हैं कि उनकी विद्या जो है वो दूसरों को देना चाहते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग करके AICTE के माध्यम से वो भी आ सकता है। बाकी जो 8 है वो फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में है, कोई प्राइमरी स्कूल में है, कोई ओपन स्कूल में है, कोई ओपन एजुकेशन में है, कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएशन में है, टेक्निकल एजुकेशन में है, मैनेजमेंट एजुकेशन में है, टीचर एजुकेशन में है। ये सब फॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल लोगों के लिए भी ये व्यवस्था है। इसका मतलब हो गया देश के जो 800 यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें से कोई भी इसमें आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमको हमारा कोर्स अपलोड करना चाहते हैं। तो हमारी एक ही एक कंडीशन है कि पहले आप 3 मिनट का एक वीडियो और पूरा कोर्स का कंटेंट पहले आप हमको अदा कीजिए। वो 8 कोऑर्डिनेटर्स के दायरे में आता है तो वहाँ भेज दीजिए, नहीं है तो AICTE के पास भेज दीजिए। और वो 3 मिनट का वीडियो जो टेस्टिंग हो जाएगा, उसमें यदि हमको ठीक नहीं लगता है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी ठीक रहता है वो सारे लोगों को आने के लिए मुभा है। जी दोस्तों, बिजनेस में या कमर्शलाइजेशन में भारत सरकार की ओपन पॉलिसीज आई, और उसका एडवांटेज डेफिनेटली पिछले 15-20 सालों में देखने को सामने आया है। एजुकेशन में अभी तक क्लोज लूप पॉलिसीज चल रही थी और उसलिए चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो हम प्रोफेसर सहस्रबुद्धे साहब को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये ओपन पॉलिसी जो लेकर के आई आपने, ये आपके प्रयासों से ही संभव हो पाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये जिम्मेदारी आपको दी, आपको योग्य समझा कि आप इसे बखूबी निभा पाएंगे। निश्चित तौर पर आप इसमें बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, प्रोफेसर सहस्रबुद्धे के लिए तालियां। आपके पास अगर कुछ खास है, अलग है, और जो फॉर्मल एजुकेशन के तहत नहीं आता है, तो आप उसे भी आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अक्सर लोग सकते पहले अपनी विद्या को अपने पास ही संकुचित रखते थे। अगर आप थोड़ा भी अगर मन में भाव है कि आप शेयर कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर AICTE को लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा मैं देख रहा हूं कि AICTE में 2 सालों में परिवर्तन आए हैं, दोनों तरफा कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, आपको निश्चित तौर पर एक संवाद प्रोफेसर सहस्रबुद्धे साहब से मिलेगा। जानना चाहेंगे कि किस तरह के लोग, मतलब हु कैन अवेल बेनिफिट थ्रू स्वयं। स्वयं का बेनिफिट कोई भी ले सकता है। स्वयं ऐसी स्पेशलिटी है कि जिसमें 9वीं कक्षा के आगे 9वीं 10वीं के छात्र है तो उनके लिए भी व्यवस्था है। कोई IIT का कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत बार उनको कोचिंग क्लास जाना पड़ता है जिसमें बहुत महंगा है, तो उनको भी IIT PAL के नाम से वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कोर्स वहाँ दिए जाएंगे, जो IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काबिलियत बना सकते हैं। UGC जैसे BA, BSc, BCom, LLB ऐसे कोर्स चलाती, वो कोर्स उसमें है। इंजीनियरिंग के कोर्स है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आपके केमिकल, मेटलर्जी जो है उसके भी कोर्स है, मैनेजमेंट के कोर्स है, और टीचर ट्रेनिंग के कोर्स है। तो इसलिए ये ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें बच्चों से लेकर पूरे MTech PhD तक के लोग, सारे लोग इसमें से आ सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। जी,
तो इसमें चार क्वाड्रेंट में है। महत्वपूर्ण ये बात यह है कि ये चार क्वाड्रेंट में है, स्वयं जो है वो चार क्वाड्रेंट में चलती है जी। वो क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि पहला क्वाड्रेंट है जिसमें वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाता है, जो भी टीचर सिलेक्टेड हुए हैं वो वीडियो लेक्चर। मैं सबसे पहले, आपने जो बात कही कि इतना कुछ है, तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनता को ये संदेश दें कि स्वयं में एनरोल होकर के वो अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। चूंकि हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, सामाजिक सरोकार के बहुत सारे काम करते हैं, मैं चाहूँगा आप अगर एक अपील दूरदर्शन के माध्यम से करें तो। या मैं सब लोगों को अपील करता हूँ, देशवासियों को, कि वो भले स्कूल में जाने वाले हो, एजुकेटेड हो, घर में बैठे हुए हो, व्यक्ति हो, महिला हो, रिटायर्ड पर्सन्स हो, कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और अपने को जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूं लेकिन मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक का कोर्स वो ले सकता है। और कोई आदमी है जो पूरे साल अपना रिटायरमेंट के बाद, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद घर में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि आज मुझे थोड़ी सी इंजीनियरिंग सीखनी है, तो वो इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। कोई महिला घर में है, वो घर को संभाल रही है लेकिन बहुत सारा समय उनके पास रहता है, तो मुझे डांस सीखना है, डांस क्लास जाने के लिए मेरे पास ना व्यक्त बाहर जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है, तो मैं घर बैठे बैठे डांस सीख सकूं, तो उसका भी प्रावधान इसमें है। यानी कि मन में कोई भी ख्वाहिश है तो आप सिर्फ क्लिक अवे हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले इसलिए मैं सीख नहीं पाया, या रिसोर्सेज की कमी के कारण मैं कैसे आगे बढ़ूँ। फ्री में शिक्षा, दर दर शिक्षा, दरवाजे शिक्षा, रादर कहूँगा मोबाइल पर आपके हाथ में शिक्षा है, घर घर में शिक्षा जी। बहुत सुंदर, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, युवा साथियों अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम अमनदीप है। मेरा प्रश्न ये है कि हम स्वयं पे लर्निंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो स्वयं को फोर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं फोर क्वाड्रेंट की बात कर रहा था और रजिस्ट्रेशन की बात है, दोनों बातें एक साथ में है। तो स्वयं में चार क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट है जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोफेसर्स ने जो अप्लाई किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसको अवेलेबिलिटी होती है, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था है, पीडीएफ फाइल्स हो या दूसरे कोई इंटरनेट साइट का उसको जिक्र किया जाएगा, तो वहाँ भी आप जाके आप और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके किताब के रूप में पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट है जहाँ डिस्कशन फोरम है। यानी कई बार ऐसा होता है कि टीचर अपने मन से कुछ सिखाते हैं लेकिन शिक्षार्थियों के मन में बहुत सारी समस्याएं और शंकाएं रहती है, तो उसको आप कहाँ एक्सप्रेस करेंगे। एक कोर्स में यदि 50,000, 1,00,000, 5,00,000 छात्र है तो डायरेक्टली टीचर के साथ तो जुड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए आप डिस्कशन फोरम में, जैसे ब्लॉगिंग होता है, तो आप अपना प्रश्न डालेंगे तो टीचर नहीं है, आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसका उत्तर दे सकते हैं, और यदि टीचर को लगता है ये उत्तर ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट कर पाता है। तो ऐसे डिस्कशन फोरम के माध्यम से आपको शिक्षा भी दी जाती है। तो चौथा क्वाड्रेंट है जो एग्जामिनेशन क्वाड्रेंट है, जो आप सीख रहे हैं वो आप सही सीख रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए असाइनमेंट्स हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, क्विजेस हो, ये दी जाएंगी और उसके आप आंसर देंगे तो आप कितना सीख पाए हैं उसका भी आपको अवलोकन किया जाएगा जी। किस तरह के कोर्सेज इसमें अवेलेबल होंगे स्वयं पोर्टल पर? तो स्वयं पोर्टल पर मैंने जैसे कहा ना, सारे टाइप के कोर्स है, सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स है, डिप्लोमा लेवल के कोर्स है, डिग्री लेवल के कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स है, तो और ये सभी में नहीं आने वाले भी कोर्स है। तो जो आपने पहले भी कहा कि जो मर्जी अपने मन में आता है तो वो कोर्स हम उसमें से देने का प्रयास कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है और किसी ने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ चीज़ सीखना इच्छा है, आवश्यकता है, तो हम ओपन चैलेंज देंगे कि ऐसे किसी को ज्ञान है तो आप सामने आए, उसके लिए हम फंड करेंगे, उनको स्टूडियो का यानी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करवाएंगे और उसको उसमें डाल देंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन जो आप कह रहे थे, वो टू वे कम्युनिकेशन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ है, देशवासियों के साथ है। एक जो रियल मॉडल होना चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकर का, कि पॉलिसी बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इफेक्टिवनेस, वो पूरी क्लोज साइकिल अब शुरू हो चुकी है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राजीव है। तो इंडिया, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, तो स्वयं पोर्टल पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कितनी भाषाओं में अवेलेबल हैं, या आगे क्या आपका उसमें? आज के दिन स्वयं में जो कोर्सेज है वो अंग्रेजी में तैयार किए हुए ही कोर्स है, क्योंकि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के प्रोफेसर जो है वो अंग्रेजी में पढ़ाते, इसलिए अंग्रेजी में है। तुरंत उसका अनुवाद पहले हिंदी में होगा,
हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसके लिए सबको मिलेंगी। और ट्रांसलेटेड वर्शन, जैसे आप सिनेमा देखते हैं, कभी जर्मन सिनेमा देखते हैं, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन नीचे में सबटाइटल अपना हिंदी में या अंग्रेजी में आता है, उस तरह से अंग्रेजी कोर्स है लेकिन नीचे में टाइटल सबटाइटल्स आएंगे हिंदी में। वैसे ही हमने 10 भाषाओं में करने का सोचा है, जो देश में सबसे ज़्यादा बात करने वाली जो लोकसंख्या जिसमें है ऐसे है भाषाएँ, जैसे बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, और उसके अलावा गुजराती है, पंजाबी है, असामीज है, ये 10 लैंग्वेजेस में शुरू में आएगी। तो उसके बाद में जो बाकी भी भाषा है उसमें भी करने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। कम लोग बात करने वाले हैं तो उनके लिए भी तो एजुकेशन चाहिए, तो हम उसको एक्सपेंड करते जाएंगे। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर। सर मैं हिमांशु। सर मैं स्वयं पोर्टल पे सर्टिफिकेशन और एवेल्यूशन के बारे में जानकारी विस्तार में चाहूँगा। स्वयं का एक और एक स्पेशलिटी है, स्वयं में 3 टाइप के यूजर्स आ सकते हैं, तो मैंने कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा प्रश्न आया था, उसको पूरा किया नहीं था, उसको मैं पहले बताऊंगा। स्वयं को यूज़ करने के लिए या उसका आप मेंबर बनने के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पहले तो ये फ्री है इसलिए कोई चार्ज तो लगने वाला नहीं है। तो आपके पास जैसे जीमेल अकाउंट होता है, हॉटमेल अकाउंट होता है, याहू अकाउंट होता है, वैसे ही स्वयं का एक अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो swayam.gov.in में जाकर अपना नाम दर्ज करिए, अपना नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, जो गूगल का है या जिसी का है, और उसमें आप मेंबर बन जाएंगे। एक बार मेंबर बन जाएंगे तो सारी जो जितने कोर्सेज है उसको आप देख पाएंगे। तो जब आप उसको देख पाएंगे तो जिस कोर्स में आपका आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे तो आप उस कोर्स के मेंबर हो जाएंगे। तो जब वहाँ जो 500 कोर्स है उसमें से आपकी इच्छा है कि 4 कोर्स का मेंबर होने, आप 4 कोर्स के हो सकते हैं और हर कोर्स के टीचर के साथ आप जुड़ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन टीचर के साथ आप जुड़ जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब मेंबर बन गए तो सिर्फ सीखने के लिए एक टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं, दूसरे टाइप मेंबर्स हो सकते हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तीसरे टाइप भी लोग हैं जिनको अपने यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है उसके बदले में स्वयं का कोर्स लेना है। तो ऐसे हमारे यहाँ 3 टाइप के यूज़र्स हो सकते हैं। जो एक कैजुअल लर्नर है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा जिसके मन में है वो कैजुअल लर्नर है, उसको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, वो सिर्फ वीडियो देखेगा, उसका मटेरियल देखेगा, खुद सीखेगा और संतुष्ट रहेगा। दूसरा है जिसको लगता है कि मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, हम घर में एक सर्टिफिकेट रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उसके लिए दूसरा प्रावधान है, वो पूरा रजिस्टर करेगा, उसकी जो एग्जामिनेशन प्रणाली है, असाइनमेंट है, उसको सबमिट करेगा और आगे बढ़ते जाएगा और एंड सेमेस्टर जैसे एग्जाम होता है वैसे एग्जाम भी देगा और उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी या फिजिकल फॉर्म में होगी? ये फिजिकल फॉर्म में होगी शुरू में, बाद में हम ये असाइनमेंट्स वगैरह क्विजेस है वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पूरा फाइनल एग्जाम होता है वो रिटर्न एग्जाम होता है। वो रिटर्न एग्जाम होने के बाद वो पेपर इकट्ठे किए जाएंगे, जो प्रोफेसर या फैकल्टी ने वो कोर्स दिया हुआ है उनके इंस्टीट्यूट में ये जाएगा और वहाँ वो प्रोफेसर और उनके जो स्टूडेंट है वो मिलके उसको इवेल्युएट करेंगे, आपको मार्क्स देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। तीसरे टाइप के जो यूज़र्स हैं वो जैसे बम्बई यूनिवर्सिटी में कोई है लेकिन उसको जोधपुर यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, तो वो दोनों के बीच में मिलन करवा रहे हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने दिया हुआ कोर्स बम्बई यूनिवर्सिटी के छात्र ने लिया है तो वो पास होने के बाद उसके क्रेडिट्स यानी मार्क्स वो बम्बई यूनिवर्सिटी के वो छात्र के मार्कशीट में आ जाएंगे, तो ये तीसरा प्रावधान है। ऐसे 3 टाइप के यूजर्स हमारे बीच में है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश है। मैं पूछना चाहूँगा, जो हमें स्वयं से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा सर, वो हमारे रोजगार या एम्प्लॉयमेंट में किस तरह सहायक होगा? सर, मैंने पहले कहा कि दूसरे टाइप के जो लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो जब आप एक कंपनी में या किसी जगह में काम कर रहे हो और एक लेवल तक आपका प्रमोशन हो गया है तो आपको आगे बढ़ने के लिए कई बार अच्छी और आगे वाली डिग्री तो चाहिए या ज्ञान चाहिए, तो आपको वो प्रूव करने के लिए ये सर्टिफिकेट जब हो जाएगा तो आप अपने कंपनी में बताएंगे कि मैंने एडवांस्ड कोर्स ऑफ ऐसे ऐसे वस्तु में, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो नेचुरली आपके बॉस जो है वो आपको प्रेरित करेंगे कि यस यस आपने ये किया हुआ है, आपको ये प्रमोशन के लिए आप पात्र हो गए हैं। जैसा आपने बताया कि इसमें लॉगिन आईडी जनरेट करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, लर्निंग के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री है, सर्टिफिकेशन की कोई फ़ीस रखी गई है? सर्टिफिकेशन के लिए आज के दिन फ़ी नहीं है, ये अर्ली बर्ड्स के लिए फ्री है,
सारे जगत में जितने मूक चलते हैं वो सब जगह में सर्टिफिकेशन के लिए फी है और फी कई बार काफ़ी ज़्यादा भी है। हमारे यहाँ आज के दिन हमने स्वयं में ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि शुरू में हम फी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे भी तो एक एक विषय के लिए नॉमिनल फी रहेगी, 1000 से नीचे होगी। तो आप समझ लीजिए एक बी प्रोग्राम करने के लिए आपके लिए सब्जेक्ट्स होते हैं करीब करीब 40 और साल की फ़ी ही 50,000-60,000 होती है और 40 कोर्स करने के लिए यहाँ 1000 के माध्यम से 40,000 में पूरी डिग्री का प्रावधान हो सकता है, इतना आपको नॉलेज वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। जी, यानी कि अगर हम स्वयं पर फोकस करें तो बहुत लो कॉस्ट या सब्सिडाइज एजुकेशन हमें और बेहतरीन शिक्षा हमें मिल सकती है। गांव में कोई विद्यार्थी बैठा है और उसे IIT के प्रोफेसर से इंटरेक्शन संभव नहीं है, उसके पास सुविधाएँ नहीं है या वो वहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो स्वयं के ज़रिए वो इतने नॉमिनल फीस में वो सीख भी लेगा और सर्टिफिकेशन भी उसे मिल जाएगा। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। ये बड़ा आसान सा काम होता है जो हम क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, ये सरकारें काम नहीं कर रही हैं, पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कि सुनी सुनाई बातें बोलना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जैसे लोगों ने परिवर्तन, इसी हमारे समाज के लोग हैं और इन्होंने तय किया उस पद पर पहुँचे और कि मुझे कुछ नया करना है, वो करके दिखाया। तो इनके जो नया करने का लाभ है, यानी कि आपको खुद को जो इम्प्रूव करना है, रिपेयर करना है या सक्सेसफुल बनाना है, वो स्वयं पोर्टल के ज़रिए संभव है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है और स्वयं एक ये पैरेलल मैकेनिज्म है, तो इनकी ब्रिजिंग किस तरह से होगी? मतलब यूनिवर्सिटी ने एक सर्टेन क्रेडिट्स हमें पढ़ने के लिए कहा है, तो ये क्रेडिट्स जो हम पढ़ेंगे ये एडिशनल होंगे या उसका इंटीग्रल पार्ट होंगे, किस तरह से होगा? यहाँ दो टाइप के हैं। फिर ऐसे कोर्स है कि UGC और AICT ने अपने कोर्स करिकुलम में हर यूनिवर्सिटी को ये मुभा दी गई है कि 20% तक आप कोर्स MOOCs के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से ले सकते हैं। जी, यानी 40 कोर्सेज यदि है एक प्रोग्राम में तो उसके 20% यानी 8 कोर्सेज आप ये MOOCs के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से ले सकते हैं। बाकी 32 आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर से आप सीख लीजिए, लेकिन 8 कोर्स तक आप इस माध्यम से ले सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखा है कि इलेक्टिव्स नाम का एक चीज़ होती है। जी, जी, तो कुछ कंपलसरी कोर्स होते हैं, कुछ इलेक्टिव्स होते हैं। तो इलेक्टिव नंबर 1 के अंतर्गत वहाँ सिलेबस में दिखाए जाते हैं 4, 5, 6 कोर्स, और जब एक्चुअल ऑफर होता है कॉलेजेस में वो एक ही होता है। वो बोलते हैं कि वो बाकी कोर्स के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। तो अब क्या होगा कि यदि एक इलेक्टिव के अंतर्गत 5 कोर्स है और आपके पास एक ही टीचर है तो बाकी 4 कोर्स के लिए आपका स्वयं है। तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कौन से MOOCs के कोर्स इस सेमेस्टर में अलाउ करना चाहिए, इसका निर्णय यदि उनके सीनेट या एकेडमिक काउंसिल या जो भी एकेडमिक बॉडी है वो निर्णय लेती है और एडवांस में छात्रों को बता देती है कि MOOCs प्लेटफॉर्म स्वयं में 500 है, कल 1000 होंगे, कल 20,000 होंगे, तो 20,000 में से इस सेमेस्टर के लिए ये 100 कोर्सेज हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 8 ले सकते हो। तो आप चुन लीजिए आपको जो इच्छा है। जैसे हम कैफेटेरिया में जाते हैं और हमको इडली चाहिए तो इडली ऑर्डर करते हैं, डोसा चाहिए तो डोसा करते हैं, उपमा चाहिए तो उपमा करते हैं, पराठा चाहिए तो पराठा करते हैं, वैसे ही हर छात्र को खुद को जो इलेक्टिव करना है वो अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में नहीं भी हो तो इस स्वयं के माध्यम से वो ले सकता है, उसको स्वाग्रह कर सकता है और वो अपने ग्रेडशीट में भी आएगा। तो इसके लिए व्यवस्था दोनों यूनिवर्सिटी के बीच इस हमारे स्वयं पोर्टल के माध्यम से कोर्स देने वालों के नाम है, कोर्स लेने वालों के नाम है, उनको जोड़ने का काम स्वयं करती है। जी, जैसे जैसे समय और इंडस्ट्री की डिमांड बदलती है कोर्सेज और सिलेबस अपग्रेड होते हैं। अब जो टीचर जिन्होंने पहले पढ़ाई की, PhD तक काम पूरा हो गया और अब अध्यापन के कार्य में पूरी तरह से संलग्न है और उन्हें वो पढ़ाना, नया विषय जो है उन्हें मिलता है पढ़ाने के लिए, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, रिसोर्सेज नहीं उनके पास होते, तो ऐसे में एक टीचर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है स्वयं पोर्टल? तो आपने एकदम सही बोला है, टीचर्स के लिए भी सुलभ हो जाता है, क्योंकि मैंने जब BE किया या MTech किया या MA किया, MSc किया, उस समय जो कोर्स थे वो पढ़े थे और अब नया टोटली डिफरेंट कुछ आ जाएगा तो उसमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए टेक्स्ट बुक के माध्यम से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जब कोर्स है, मैं भी एक छात्र बन जाऊंगा, टीचर भी एक छात्र है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं हम,
तो टीचर अपना उसमें रजिस्टर करके स्टूडेंट बनकर वो कोर्स को पूरा यदि एक सेमेस्टर करेंगे तो अगले सेमेस्टर में खुद के कॉलेज में वो पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। हम अक्सर जो लर्निंग कर्व हम या लर्निंग पाथ पहले मानते थे कि मैंने सीख लिया ये पूरे जीवन भर मेरे अब काम आएगा, अब वो सदी चली गई। लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार आपको ये करते रहना होगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है हमारी सांस खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि ये ब्लिस है हम सभी के लिए। क्या प्रतिशत अगर हम माने कि भारतवासी अभी तक इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और विदेश के लोग चूंकि फ्री में है तो क्या उनका भी रुझान इस पोर्टल पर बन रहा है? अरे बाप रे, ऐसा है कि हमने अभी लॉन्च करके जुलाई 9 को राष्ट्रपति महोदय ने विज्ञान भवन से इसको लॉन्च किया, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, और इसको देश को जब दिया गया तो समर्पित करने के बाद देशवासी तो आई है, 1.5 लाख के ऊपर छात्र अभी ऑलरेडी उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी करीब करीब, और 153 देश के लोग इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, कुछ लोग जैसे मैंने कहा कैजुअल लर्नर बन के वो सीख रहे हैं, तो 153 देशों में हम फैल गए हैं ऑलरेडी। जी दोस्तों, जैसे आधार कार्ड या और पैन कार्ड आप मैंडेटरी मानते हैं, हर नागरिक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आपके पास स्वयं है कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीखा नहीं तो वो आगे शिक्षित हुआ नहीं, जो शिक्षित नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप गृहिणी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, जो भी आप काम करते हैं, सबसे पहला काम आज ही के दिन आपको स्वयं पर रजिस्टर करना है, आज का दिन सार्थक हो जाए आपका। अब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि स्वयं में निश्चित तौर पर जैसा NCERT भी इसमें इन्वॉल्व है, तो किस तरह से स्कूल एजुकेशन और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व होगा? तो हमने जैसे कहा हर व्यक्ति के लिए यहाँ मुभा है, तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रावधान ऐसा है कि लर्निंग पाथ दिया जाता है। तो समझ लीजिए किसी छात्र ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है तो उसको नेचुरली 9वीं 10वीं का पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए नेशनल ओपन स्कूलिंग के कोर्स जो है वो उसको हम दिखाएंगे कि ये 9th 10th स्टैंडर्ड के लिए है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स जो पढ़ना है उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। जी इसमें लर्निंग पाथ किस तरह से रहेगा? लर्निंग पाथ एक डायग्राम है जी, उस डायग्राम में आप कहाँ तक आपका शिक्षा हो गई है वो दिखाया जाएगा, तो उसके आगे आपको बढ़ना है, आपकी इच्छा क्या है उसको तय करते हुए आप कैसे पाथ में जाने से आपको वहाँ तक पहुँच सकेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसमें दिखाया गया है। तब छात्रों को पता चलेगा कि मुझे 8वीं से डायरेक्टली तो MA नहीं बन पाऊँगा, तो MA करने के लिए मुझे पहले 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है, BA करना है, उसके बाद मैं MA कर सकता हूँ। तो वो कैसे आप इस माध्यम से कोर्स लेते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आप MA तक पहुँच सकते हैं ये उसमें दिखाया गया है। भारत में डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी सारे अलग अलग विषयों में ऑफर किए जाते हैं, तो क्या डिप्लोमा के विद्यार्थी भी इसमें लाभान्वित होंगे? डिप्लोमा विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। डिप्लोमा नॉर्मली 10वीं कक्षा के बाद ज्वाइन करते हैं, कई लोग ऐसा है कि 12वीं के बाद भी ज्वाइन करते हैं, तो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद जो ज्वाइन करते हैं उनको क्या क्या प्रोविजन है। ऐसे ही ITI करने के बाद भी कोई छात्र चाहता है कि मैं डिप्लोमा लीप के थ्रू उसमें जुड़ेगा एक डायरेक्टली सेकेंड ईयर में, तो वो डायग्राम में वो दिखाया गया है कि आप ITI है तो ऐसे इस पाथ से जाओ, आप 10वीं पास हुए हैं तो आप ऐसे जाओ, 12वीं है तो ऐसे जाओ, फिर डिप्लोमा होने के बाद भी आप आगे क्या कर सकते वो भी दिखाया है। तो डिप्लोमा के बाद यदि किसी को डिग्री करना है तो वो भी उस पाथ में दिखाया जाता है। जी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्वयं पोर्टल पर? अंडरग्रेजुएट में जो जनरल कॉलेजेस है, आप कोई भी सिटी में जाइए, BA, BSc, BCom ये 3 इम्पॉर्टेंट है, BBA, BCA है, उसके बाद LLB है, इंटीग्रेटेड LLB है, ये सब हो गए अंडरग्रेजुएट टाइप के प्रोग्राम्स। सिमिलरली टेक्निकल जब आते हैं तो BE बाद में BArch, BE फार्मेसी, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आ गई। तो सिमिलरली आप अलग अलग जो लॉ है, मेडिसिन है, सबके लिए जो कोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में दिखाया गया है, तो जिसकी जो इच्छा है उस एंगल से वो देखेगा, उसके अंदर जाएगा, उस कोर्स को चुनेगा और लेना शुरू कर देगा। यानी कि मन में आप सवाल रखिए और स्वयं पर उसके ढूंढ लीजिए। जी अगला सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्ष है, मेरा सवाल ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और
रिसर्च क्या स्वयं के जरिए संभव है? मैंने कहा ना, स्वयं ऐसा चीज़ है कि जो नौवीं कक्षा से लेकर पूरा पीएचडी तक लेके जाता है, तो मास्टर्स लेवल के कोर्स भी है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, ये सब अंडर ग्रेजुएट के हैं। तो इसी स्वयं पोर्टल में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमआर्च, एमफार्मा, ऐसे सभी कोर्सेज भी उसमें हैं। उसके बाद में यदि किसी को पीएचडी लेवल के कोर्स चाहिए तो वो भी उसमें प्रावधान किया गया है। जी, अभी तक हमारी आदतें चौक से सीखने की रही हैं, यानी कि ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से सीखने की रही है। अब अचानक से ये बात आ गई है कि डिजिटल बोर्ड से लर्निंग, तो निश्चित तौर पर हर आदमी उतना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करे लर्निंग की प्रोसेस में। तो ये वेब बेस्ड लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसकी लिमिटेशन आप क्या मानते हैं? लिमिटेशन आज के दिन थोड़ी लगती इसलिए है कि जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे हमारे जैसे है, हमको यदि उस प्लेटफॉर्म में जाना है तो हम 10 बार ढूंढते रहेंगे, लेकिन आज के जो यंग जनरेशन है उनको आप दे दीजिए, वो उससे भी फास्ट करेंगे। और इतना ही नहीं है, 8वीं 9वीं 5वीं कक्षा के स्टूडेंट के हाथ में नया मोबाइल दीजिए, वो एक वो सारे एप्लीकेशन ढूंढ निकालेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो कठिनाइयाँ आज दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादा उम्र वाले लोग उसको कोशिश करने जा रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं हो पाता है, एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो कठिनाइयाँ हैं, इसमें डायरेक्टली अटेंडेंस रेगुलेशन नहीं होने के वजह से आदमी कई बार रेगुलेशन रजिस्टर कर देता है और कंपल्शन नहीं होने के वजह से वो धीरे से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ड्रॉप आउट रेट वर्ल्ड वाइड मूक्स में बहुत ज़्यादा है, यानी जो रजिस्टर कर दिए हैं उसमें से 1% हार्डली 10% लोग कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये स्वयं का स्पेशलिटी ये है, हम ऐसे जो भी रजिस्टर करते हैं उनको बीच बीच में SMS भेजेंगे, उनको जागृत करने की कोशिश करेंगे, जागृत करके 10% से 40%, 50%, 60%, 80% सबको कंप्लीट करना है, उस डायरेक्शन में हम मूव करने की कोशिश करते जा रहे हैं। जी, भारत का एक बड़ा प्रतिशत गांवों में रहता है, जो रिमोट में विद्यार्थी है उन्हें किस तरह से ये डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जा सकता है? ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसके लिए इंटरनेट होए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्पीड से वो पूरा एजुकेशनल मटेरियल एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं भी है और यहाँ मोबाइल टावर है, हर घर में मोबाइल है, आज के दिन हर गांव में मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से वो उसमें डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट नहीं है, ये नहीं, बिजली नहीं है, ये कोई भी रीज़न नहीं है। बिजली भी नहीं है तो जब बिजली है तब मोबाइल चार्ज करके रखो, उसको डाउनलोड करके रखो और जब चाहिए तब पढ़ो। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं वो हर रोज़ कॉलेज जाने के लिए बस से जाते हैं, घंटा घंटा उसमें जाता है, तो उस एक घंटा जो ट्रैवल में जाता है उसके पहले ही उन्होंने डाउनलोड करके रखा है या कॉलेज में या घर में से, और वो पढ़ते जाएंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त भी होगा और उनका जो वेस्ट हो रहा था टाइम वो अच्छे तरह से इस्तेमाल में आ जाएगा। जी, हम अक्सर ये कहते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल है कि मैं अपने लिए और अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं दूसरों से मांगने की आदत में मुझे लगता है अब छोड़ देनी चाहिए। देश ने जो करना था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सारा सब कुछ डेवलप हो चुका है और अब आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है कि परिवर्तन के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करना शुरू करें और आदतों में परिवर्तन लाना शुरू करें। रोज़ एक घंटा नियमित तौर पर कम से कम स्वयं पर समय गुजारें, कुछ सीखने की कोशिश करें और अपने आसपास के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। जैसे रिचुअल्स होते हैं, सुबह घूमने जाना एक रिचुअल है, साथ बैठ के खाना खाना एक रिचुअल है, साथ बैठ के स्वयं देखना भी एक रिचुअल जब परिवार में बनने लगेगा तो निश्चित तौर पर भारत पीछे नहीं रहेगा। चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आज़ादी के इस वर्षगांठ पर आप तमाम सीखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे सीखने वालों को मैं कह रहा हूँ कि सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जैसे कहा कि जिस दिन हम सीखना बंद कर दिया उस दिन मर गए, ऐसे समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि सारे जो सिटीजन्स हैं वो स्वयं प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें और अपनी इच्छा से जो चाहिए वो उसमें से सीखना शुरू करें। अपना भारत शिक्षित हो जाएगा, अपने आप उन्नत भारत भी हो जाएगा। जी दोस्तों, आज़ादी के इस मौके पर प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे की बातें बहुत गहरी हैं। सफ़र आसान नहीं है मानते हैं, लेकिन हर सफ़र शुरुआत में मुश्किल ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे आसानी होने लगती है और हमें उसमें मज़ा आने लगता है। तो इस डिजिटल लर्निंग के इस दौर में अगर आप पीछे रह रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, इसमें शामिल हो जाइए।
दिशाएं में आज के लिए बस इतना ही। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर सरस्वती आपका, और आज के दिन आपसे पुनः वादा लेना चाहेंगे कि आप जल्द ही दूरदर्शन पर दिशाएं में फिर से, जब भी आपके लिए उपलब्ध होगी समय की, आप फिर आएंगे। और तमाम युवा साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए दिशाएं में बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विषय नए एक्सपर्ट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।